हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसे कपल हैं जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए दूसरी शादी की, लेकिन इस दूसरी शादी के साथ ही कई एक्ट्रेस को मिला सौतेली मां का टैग। आज हम आपको ऐसी हसीनाओं के बारे में बताएंगे जो कि बॉलीवुड की पॉपुलर सौतेली मां बन गई। नंबर एक, हेलन। 80 के दशक की मशहूर डांसर हेलन के हुस्न के चर्चे तो हर ओर हुआ करते थे। फिल्मों में उनके गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं। 1981 में हेलन ने सलमान के पिता सलीम से शादी कर ली, लेकिन इस शादी से सलमान के परिवार में कुछ बिगड़ा नहीं, बल्कि कई मौक़ों पर सलमान हेलन के साथ नजर आते हैं। नंबर दो, करीना कपूर। करीना कपूर को बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश सौतेली माँ कहा जा सकता है। सारा अली खान और करीना कपूर आए दिन एक दूसरे की तारीफ करते नजर आते हैं। आपको बता दें, करीना सारा से सिर्फ 13 साल बड़ी है। नंबर तीन, शबाना आजमी। बॉलीवुड का मशहूर कपल जावेद अख्तर और शबाना आजमी अपनी शानदार केमिस्ट्री के लिए जाना जाता है। शबाना आजमी न सिर्फ एक अच्छी पत्नी बल्कि एक अच्छी माँ भी, और उनकी सौतेली बेटे फरहान अख्तर से खूब जमती हैं। नंबर चार, दिया मिर्जा। दिया मिर्जा ने पिछले साल दूसरी शादी की थी और शादी के साथ ही वो एक सौतेली माँ बन गई। दिया के दूसरे पति वैभव रेखी की एक बेटी है समायरा, जिसे दिया अपना खूब प्यार देती है। नंबर पाँच, मान्यता दत्त। संजय दत्त की तीसरी पत्नी मान्यता दत्त की उम्र 43 साल है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मान्यता अपनी सौतेली बेटी यानी त्रिशाला से सिर्फ 8 साल बड़ी है। हालांकि दोनों की बॉन्डिंग में उम्र का फासला जरा भी नज़र नहीं आता।